सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आप सबसे पहले देखें। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और मेरा नाम है कपिल। तो आज का टॉपिक है ये G52 का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे आपके रेगुलर प्रोग्राम में या जहाँ पे आपको जरूरत होगा वहां पे। मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। दरअसल ये G52 होता है, उसमें क्या होता है कि एक आपको सब प्रोग्राम में उसका एक वैल्यू डालना होता है, वो जहां से आपका WPC है और वहां का आपको जहां पे ऑपरेशन करना है वहां का डिस्टेंस आपको सेपरेटली एक प्रोग्राम में डालना पड़ेगा सब प्रोग्राम को, और उसको कॉल करना पड़ेगा आपके मेन प्रोग्राम में। तो क्या हो जाएगा, वो आपका WPC जनरेट हो जाएगा, मतलब वो ऑपरेशन के लिए आपका WPC वहां पे क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि G52 का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप, आपके रेगुलर प्रोग्राम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका कोई स्पेशल प्रोग्राम हो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इसका जो हम ऑपरेशन करने वाले वो क्या ऑपरेशन है वो आपको समझा देता हूँ। तो फर्स्टली हम देखेंगे इसका ड्राइंग, ये है ड्राइंग इसका। तो हमको ये देखिए यहाँ पे हमको ये स्लॉट मिलिंग करना है, मतलब यहाँ पे हम 20 mm का एक एंड मिल यूज़ करने वाले हो स्लॉट मिलिंग के लिए। और ये सिर्फ एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से प्रोग्राम बना सकते हैं और चेंजेस आपके हिसाब से करने पड़ेंगे आपको। ये सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हो कि कैसा G52 का इस्तेमाल करके आप ऑपरेशन कर सकते। तो यहाँ पे देखिए एक हमको ये स्लॉट मिलिंग करना है, उसका ऑलरेडी से एक होल हो चुका है वहाँ पे उसके ऊपर हम एक 3 mm का डेप्थ मेंटेन करके उसका स्लॉट मिलिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप उसका जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्टली हमारा टूल जाने वाला है 30 mm के प्लस Y30, बाद में फिर Y0 पे आएगा, Y0 पे फिर माइनस में जाएगा 20 mm यहाँ पे, उसके बाद में X-20 पे जाएगा, फिर लास्ट में X25 प्लस में। तो ऐसे ट्रैवल करेगा हमारा टूल। तो ऐसे हमको एक और एक ऑपरेशन करना है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें सेम ऑपरेशन आपको करना है लेकिन उसका जो डिस्टेंस है 150 mm है, मतलब ये हमारा WPC रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको करने वाले हैं। तो उसमें क्या करना होता है और प्रोग्राम कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम लगा दिया है आपको, यहाँ पे हम दो सब प्रोग्राम का यूज़ करने वाले। तो हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो हम देखेंगे, फर्स्टली हम देखेंगे N1 है सीक्वेंस नंबर है, हम जैसे ऑपरेशन वाइज इसको अलग अलग दे सकते हैं। तो N1 है सीक्वेंस नंबर है, उसके बाद में दो नंबर पे M06T02, M06 से टूल चेंज का मोड है और T02 मतलब ये टूल नंबर है, हमारा मैगजीन का टूल नंबर का एड्रेस है 02, मतलब दो नंबर का इसमें टूल यूज़ होने वाला है और M06 से ये टूल चेंज कमांड है। तो तीन नंबर पे देखेंगे हम G0, G90, G70, G57, X0, Y0। तो फर्स्टली हम देखेंगे G0, G0 है पोजिशनिंग, मतलब यहाँ पे रैपिड में चलती है मशीन, G0 जहाँ पे आप यूज़ करेंगे वहाँ पे मशीन फास्टली ट्रैवल होता है, जो भी हमको कुछ डिस्टेंस देना है या ट्रैवल कराना है मशीन का फास्टली तो इसका जी कोड का इस्तेमाल करते हैं G0 का। उसके बाद में G90 है एब्सोल्यूट कमांड, हम यहाँ पे WPC G57 यूज़ करने वाले, वहाँ तक जाने के लिए हमको एब्सोल्यूट कमांड में लेना पड़ेगा मशीन, इस वजह से हम यहाँ पे G90 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में G70 हमको ये ऑपरेशन करने के लिए XY ट्रैवल की ज़रूरत है, इस वजह से हम XY प्लेन सिलेक्ट करेंगे, इस वजह से यहाँ पे हम G70 का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में देखेंगे G57 पे हमारा जो भी ये वर्क पीस कोऑर्डिनेट है, हमने जो भी मशीन की वैल्यू XY की उसमें ऐड कर दिए है WPC में, इस वजह से हम यहाँ पे G57 का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद में देखेंगे X0Y0, यानी कि जो फर्स्टली हमारा जो यहाँ पे हमको जो ऑपरेशन करना है, यहाँ पे हमारा XY0 है, जो भी आपको होल दिख रहा है यहाँ से, ये यहाँ से हमारा XY0 है, इस वजह से हम फर्स्टली पोजिशन वहाँ पे लेंगे इसका, इस वजह से हम यहाँ पे XY0 मेंशन करेंगे। तो अगले वाले ब्लॉक में देखेंगे G43Z100H5M03S3000। तो उसके बाद में देखेंगे G43 है टूल लेंथ कंपनसेशन प्लस डायरेक्शन, हमारा जो भी ऑफसेट है वो सब प्लस डायरेक्शन में, इस वजह से हम यहाँ पे G43 का इस्तेमाल करेंगे और 90% G43 का इस्तेमाल होता है कोई भी प्रोग्राम में। उसके बाद में Z100 और H5 में जो भी हमने 0 सेट किया है वहाँ से 100 mm ऊपर आके टूल रुकेगा, मतलब इसको इनिशियल लेवल भी बोलेंगे, उसको टूल चेंज होने के बाद ये यहाँ पे टूल रुकेगा 100 mm पे। उसके बाद में देखेंगे M03S3000, M03 ये रोटेशन कमांड है क्लॉकवाइज, मतलब
घड़ी जैसे घूमते वैसे अपना टूल घूमेगा इसमें, और उसका जो स्पीड रहेगा, स्पिंडल स्पीड रहेगा 3000 RPM, 3000, यस 3000, एक मिनट में टूल के 3000 राउंड हो गए। तो आगे देखेंगे हम 5 नंबर पे M98P10। M98 है सब प्रोग्राम कॉल, मतलब आपको अगर किसी भी प्रोग्राम में आपको अगर सब प्रोग्राम यूज़ करना है तो सब प्रोग्राम कॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आगे देखेंगे P10। P10 मतलब यहाँ पे हम जो भी प्रोग्राम यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए एड्रेस के लिए हम P यूज़ करेंगे, और जो भी आपको प्रोग्राम नंबर होगा वो उसमें डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सब प्रोग्राम 10 नंबर का यूज़ करने वाले, 10 नंबर का यूज़ करने वाले, इस वजह से हम यहाँ पे P10 का इस्तेमाल करेंगे। 10 मतलब इसका नंबर है, जो एड्रेस हम प्रोग्राम नंबर का एड्रेस देने वाले इसको, मतलब 10 नंबर का प्रोग्राम इसमें कॉल हो जाएगा। सब प्रोग्राम ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया आपको, सब प्रोग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो सब प्रोग्राम देखेंगे हम 1080 पे, लेकिन आपको इसको रिपीट करना है, इस वजह से हम वहाँ पे फिर से G0, G90, 1080 देने वाले। G0 है मतलब पोजिशनिंग, G0 है पोजिशनिंग, पोजिशनिंग मतलब यहाँ पे मशीन रैपिड में चलेगी, फास्ट चलेगी पोजिशन तक जाने के लिए। उसके बाद में G90 मतलब हम यहाँ पे हम G57 का WPC करके इस्तेमाल करने वाले, इस वजह से हम G90 का इस्तेमाल करने वाले, उसको वापस रिपीट करने वाले, इस वजह से हम ये ब्लॉक रिपीट किया है कि हम दो बार इसका इस्तेमाल करने वाले। उसके बाद में देखेंगे 1080, यहाँ पे हम जो भी हमारा जो पोजिशन है ऑलरेडी 1080 पे, लेकिन उसको रिपीट करने वाले, इस वजह से हम वापस 1080 रिपीट करेंगे इसको। उसके बाद में देखेंगे G0 Z50, G0 है पोजिशनिंग मतलब फिर से रैपिड में चलेगी मशीन यहाँ पे। उसके बाद में Z50, जो भी हमने Z0 सेट किया वहाँ से 50 mm ऊपर आके टूल रुकेगा यहाँ पे ये ब्लॉक में। उसके बाद में देखेंगे Z5, उसके बाद में फिर ये Z5 तक जाएगा, मतलब जो भी हमने Z0 सेट किया वहाँ से 5 mm ऊपर आके टूल रुकेगा। यहाँ पे M07 मतलब यहाँ पे कूलेंट ऑन हो गया मशीन का, M07 मतलब कूलेंट ऑन, जो भी हम टूल यूज़ करने वाले उसको कूलेंट देना जरूरी है, उसी से यहाँ पे हम कूलेंट ऑन कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद में G01 मतलब लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब यहाँ पे मशीन फीड में चलेगी, मतलब जो भी हम ब्लॉक में फीड देने वाले वो फीड ही मशीन लेगी। उसके बाद में देखेंगे Z-3, यहाँ पे इसका डेप्थ जो भी हम स्लॉट मिलिंग करने वाले उसका डेप्थ 3 mm कंसिडर करेंगे यहाँ पे, मतलब 3 mm माइनस में जाएगा, जहाँ पे हमारा Z0 सेट है वहाँ से 3 mm मशीनिंग करते जाएगा वो टूल। उसके बाद में देखेंगे F300 मतलब इसका जो फीड दिया है हमने वो 300 है, मतलब 300 mm, मतलब एक मिनट में 300 mm ट्रैवल करेगा जेड एक्सिस ये ब्लॉक में। उसके बाद में देखेंगे Y30, ड्राइंग में देख सकते हैं आप, जो पहला हमारा पोजीशन है वो 1080 पे, वहाँ पे टूल हमारा 3 mm नीचे जा चुका है, उसको हम अभी आगे वाले ब्लॉक में देखेंगे Y30 मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ तक हमारा टूल ट्रैवल होगा Y30। ये बाय डिफॉल्ट चलेगा G01 में, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको यूज़ किया है, जब तक आप चेंज नहीं करते ये चेंज नहीं होता है, आप कितने भी ब्लॉक बना सकते हैं आगे। तो Y30 पे गया ये टूल। उसके बाद में आगे वाले ब्लॉक में देखेंगे Y0, मतलब वापस फिर से ये Y0 पे आया, X50 पे। उसके बाद में देखेंगे Y-20, तो ये 20 में आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ब्लॉक देखिए बाद में ड्राइंग देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कैसा टूल ट्रैवल कर रहा है इसमें। उसके बाद में Y0 मतलब फिर से आप X50 पे टूल आएगा मशीनिंग करते हुए। तो उसके बाद में देखेंगे X-20, यहाँ पे हमारा जो एक्सिस है वो माइनस में ट्रैवल होने वाला है, इसी से यहाँ पे हम X-20 देंगे यहाँ पे। और उसके बाद में प्लस साइड में X-25, यहाँ पे हमारा एक्सिस प्लस डायरेक्शन में ट्रैवल होने वाला है, इस वजह से हम X-25 देंगे यहाँ पे। और उसके बाद में M-99, यहाँ पे हमारे सब प्रोग्राम एंड हो गए। सब प्रोग्राम एंड के लिए हम यहाँ पे M-99 का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ भी आपको सब प्रोग्राम यूज़ करने वाले उसको अगर सब प्रोग्राम एंड करना है तो ये कोड यूज़ करना ज़रूरी है, M-99। तो यहाँ पे ही हमारा ये सब प्रोग्राम खत्म हो गया 10 नंबर का। उसके बाद में हम मेन प्रोग्राम में चलेंगे, 6 नंबर लाइन पे देखेंगे हम। अभी हमारा टूल Z-3 पे है, मतलब 3 mm नीचे जा चुका है, तो भी हमारा ऑफसेट है उससे, उसको हम वापस Z100 पे लेंगे। उसके लिए हम ये ब्लॉक दिया है G0 Z100, G0 मतलब फिर से मशीन फास्ट चलेगी, रैपिड में चलेगी और 100 mm पे जाके रुकेगी। उसके बाद में देखेंगे M98P8, हम फिर से यहाँ पे सब प्रोग्राम कॉल करने वाले, उनको G52 पे कमांड पे मशीन ले जानी है, और P8 मतलब 8 नंबर का प्रोग्राम यहाँ पे हम कॉल करेंगे। ये 8 नंबर सब प्रोग्राम में हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आपको। 8 नंबर प्रोग्राम में देखेंगे हम, यहाँ पे हमको G52 का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हम अलग से एक इसका WPC जनरेट करेंगे, इस वजह से हम यहाँ पे G52 का इस्तेमाल करेंगे। G52 मतलब लोकल कोऑर्डिनेट सेटिंग, इसमें हम जो भी हमारा बाय डिफॉल्ट WPC है उसको हम शिफ्ट करेंगे,
शिफ्ट करेंगे, मतलब अलग से उसका WPC क्रिएट करेंगे, लेकिन आपको जो भी ऑफसेट देना है लेकिन दोनों के लिए लागू होगा। मतलब आप 57 में अगर उसको प्लस माइनस करते हैं तो इसमें भी प्लस माइनस उतना ही होगा। ये ध्यान रखिए करते टाइम कि आपको कहाँ पे यूज़ करना है। अब जहाँ पे आपको कांस्टेंट वैल्यू रखनी है WPC से, मतलब जो भी हम ऑपरेशन सिलेक्ट करने वाला वो कांस्टेंट रहेगा उसमें, अगर आपको चेंज करना है तो डायरेक्टली प्रोग्राम में करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे हम प्रोग्राम नंबर 8 पे सब प्रोग्राम नीचे दिया हुआ है 8 नंबर पे, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में हमको डालना है G52X150Y00। G52 है लोकल कोऑर्डिनेट सेटिंग, यहाँ पर ड्राइंग में देख सकते हैं आप, जो हमारा डिस्टेंस है सेंटर डिस्टेंस वो 150 है, इस वजह से हम X150 यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद में देखेंगे Y0 पे हमको जो भी हम ऑपरेशन करने वाले वो Y0 पे, इस वजह से हमको शिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, इस वजह से हम Y0 का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में Z0 में आप दोनों एक ही लेवल पे हम ऐसे कंसिडर करेंगे, इस वजह से हम यहाँ पे Z0 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में M99, यहाँ पे हमारा सब प्रोग्राम एंड हो गया। मतलब आपको एक ही ब्लॉक के लिए अलग एक सब प्रोग्राम देना ज़रूरी है G52 का इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद में हम वापस चलेंगे अपने मेन प्रोग्राम में, 8 नंबर लाइन पे देखेंगे आप M98P10, वापस हम वो P10 वाला प्रोग्राम उसमें रन करेंगे, जो भी हमने फर्स्टली ऑपरेशन करके रखा है वो उसको वापस रिपीट करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा पहले जैसे रन हुआ है वैसे उसका रन होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम सेम ही यूज़ करने वाले, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। उसके बाद में ये यहाँ पे प्रोग्राम खत्म होने के बाद मशीन मेन प्रोग्राम में आएगी। उसके बाद में 9 नंबर लाइन पे देखेंगे G0Z100, मतलब यहाँ पे फिर से मशीन, यहाँ पे हमारा टूल जो भी है हमने Z0 सेट किया वहाँ से 100 AM जाके रुकेगा। उसके बाद में 10 नंबर पे देखेंगे M09, यहाँ पे मशीन का कूलेंट ऑफ हो गया, मतलब बंद हो गया। उसके बाद में 11 नंबर पे देखेंगे M05, यहाँ पे मशीन का स्पिंडल हो गया, मतलब स्पिंडल घूमना बंद हो गया। उसके बाद में 12 M30 मतलब साइकिल एंड। तो ऐसे हमारा प्रोग्राम ये खत्म हो गया है। आशा करता हूँ मैं आप 52 का इसका मीनिंग समझ गए होगे और यूज समझ गए होगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।